नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सब स्टैटिक जीके देखेंगे, जो कि आपके सीएचएसएल, रेलवे और अदर जितने भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखें, और जब आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई भी सुझाव हो तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो है एडम स्मिथ। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो है आपका नहरें। ठीक है, भारत में जो सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है वो है आपका नहर, कैनाल। ठीक है, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश यानी एनएसएस की स्थापना कब हुई? तो हुई थी 1950 में। भारत को अधिकतम किससे कर आय प्राप्त होती है? तो होती है निगम कर से। किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? तो जो विकसित देश होते हैं उनकी जो मुद्रा होती है वह हार्ड करेंसी होती है। भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल कहाँ पाई जाती है? तो यह पाया जाता है सिंगरौली में। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? तो ये है आपका सूती वस्त्र उद्योग। भारतीय रेलवे कितने जोनों में विस्थापित है? तो यह है आपका 17 जोन में। भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुए? तो आर्थिक नियोजन जो है भारत में प्रारंभ हुआ 1 अप्रैल 1951 को। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? तो था चीनी घोटाला से। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन है? तो है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 12th नंबर है, फ्री ट्रेड टूडे जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो है जगदीश भगवती। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ स्थित है? तो यह आपका नई दिल्ली में। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम बजट बोलते हैं, संसद के दोनों सदनों के समक्ष किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो यह पहुंचाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या होती है? तो उसे कहा जाता है मुद्रा अस्फ्रीति। भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी और वाष्प प्रणाली कहाँ स्थापित की गई है? तो ये की गई है माउंट आबू में। मध्य प्रदेश में नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश का नेपानगर जो है वह अखबारी कागज के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। ठीक है, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो है विशाखापट्टनम। विश्व में सेलफोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो है आपका चीन यानी चाइना। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वह था आत्मपोषित विकास। रंगराजन समिति का संबंध किस घटक से था? तो भुगतान संतुलन घाटा जो था उसका लेखा जोखा रंगराजन समिति का संबंध था। कौन सी वस्तु भारत में आयात की वस्तु नहीं है? तो है मूल रसायन। दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो ये काफी फेमस है, यह है कार्ल मार्क्स का। भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार कौन माने जाते हैं? MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार माना जाता है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो यह है आपका विनिर्माण क्षेत्र का। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है? तो है राजकोषीय घाटा। क्या अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है? तो वह करता है निर्यात प्रोत्साहन। कोलार स्वर्ण खादान किस राज्य में है? तो यह आपका कर्नाटक में। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो यह हुई थी इंग्लैंड में। भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान आता है? तो यह आता है द्वितीय, सेकेंड नंबर पे भारतीय रेलवे आता है। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो यह है नीति आयोग की। इसके पहले जो एक काम करता था वो करता था योजना आयोग, और जब 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया
तब से पंचवर्षीय योजना बनाने का जिम्मेवारी जो है वह नीति आयोग को दी गई है। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है, तो है पेट्रोलियम से। एकाधिकारी किसके आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है, तो है मांग लोच पे। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तो जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बंद हो जाती है उससे हम कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था, यानी आयात निर्यात जब बंद होता है तो उस स्थिति को कहा जाता है बंद अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है, तो है GIC के द्वारा। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई, तो ये की गई थी 1999-2000 में। किस वस्तु के मांग वक्र के अनुसार गतिशीलता किसमें आए परिवर्तन के कारण होती है, तो उनके अपने मूल्य के परिवर्तन के कारण होती है। यदि धन यानी मुद्रा बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम हो तो वह स्थिति नीति होती है, तो उसे कहा जाता है मुद्रा स्फीति। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो यह किया गया था 1949 में। भारत में हीरे की खान कहाँ है, तो है मध्य प्रदेश में। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, तो फिरोजाबाद जो आपका है कांच की चूड़ियों के लिए जाना जाता है। वाइल यानी OIL एक उपक्रम है, वह किसमें संलग्न है, तो यह तेल अनुसंधान में ये शामिल है। बेलाडीला से प्राप्त होने वाला लोह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है, तो यह किया जाता है विशाखापट्टनम से। योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी वार्षिक योजनाएं बनाई जा चुकी हैं, तो अब तक जो बनाई जा चुकी हैं वो है 7, ठीक है। उसके बाद नीति आयोग आ गई, ठीक है। यहाँ पूछा जा रहा है योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी वार्षिक योजनाएं बनाई जा चुकी हैं, तो इसका जवाब होगा 7। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो होता है प्रधानमंत्री। वांचू समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति है या नहीं, तो नहीं। भारत में सर्वाधिक मूल्य के रक्त एवं आभूषण का निर्यात किस देश को होता है, तो ये किया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA को। कार और डीजल मांग के उदाहरण है, तो यह संयुक्त मांग के उदाहरण है कार और डीजल। और जो लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है, तो कृषि में जो बेरोजगारी देखने को मिलती है उसे कहते हैं अदृश्य बेरोजगारी। तो इस तरह से हमारा महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन जो था यहाँ पे समाप्त होता है। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।